गुरु का पद सभी पदों से सबसे ऊपर होता है। गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है, उन्हें ब्रह्मा का रूप कहा जाता है। गुरु ही एक ऐसा इंसान होता है जो एक बच्चे को उसके भविष्य की ओर ले जाने में मदद करता है, उसके अंदर अच्छी बुरी आदतों के बारे में उसे रूबरू करवाता है, उसके स्किल्स को समझता है और उसे आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाता है। लेकिन अब शायद गुरु के मायने बदल गए हैं। आज हम आपको उन्हीं बदले हुए गुरुओं से रूबरू करवाएंगे जिनकी शिक्षा देख आप भी हैरान रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमने अपने देश के भविष्य को किन हाथों में दे दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बगल के बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। शिक्षा के नाम पे आपने एक स्लोगन तो सुना ही होगा, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ये स्लोगन तो कमाल का है, लेकिन शिक्षक भी कमाल के होते हैं तो मजा ही आ जाता है। तब शायद हमारा देश इतना पीछे नहीं होता है जितना आज है। जो शिक्षक बच्चों को ज्ञान सिखाता है, अगर वो खुद ही अज्ञानी निकले तो बच्चों को क्या खाक शिक्षा देगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो आप इस वीडियो में ही देख लीजिए। इन मैडम से पूछा गया कि बिहार का शिक्षा मंत्री कौन है, तो इनकी हवाइयां तो ऐसे उड़ गईं जैसे उस रिपोर्टर ने पता नहीं क्या पूछ लिया। बिहार के शिक्षा मंत्री का क्या नाम? बिहार के शिक्षा मंत्री का नाम है। दूसरी ओर इन मोहतरमा को देखिए, इन्हें तो प्रधानमंत्री का नाम ही नहीं पता। रिपोर्टर ने पूछा पीएम का नाम और उन्होंने नीतीश कुमार का नाम ले लिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम? प्रधानमंत्री है सर, नीतीश कुमार। मतलब इन्होंने तो पीएम नीतीश कुमार को बिना किसी इलेक्शन और मेहनत के ही प्रधानमंत्री बना दिया। कहा जाता है कि ज्ञान लेने और देने से बढ़ता है, और ज्ञान जहां से भी मिले उसे लपेट लेना चाहिए। अब अगर ज्ञान की बात हो ही रही है तो आप इन टीचर महाशय जी को भी देख लीजिए। आप क्या लिखा है आपने? The cows drink milk. The cows drink milk. Drink माने क्या होता है? स्पेलिंग क्या लिखी है आपने? C-A-W cow. इनके ज्ञान पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब अंडा पहले आई या मुर्गी पहले आई का कॉन्सेप्ट तो अभी भी अनक्लियर है, लेकिन पहली बार पता चला कि गाय दूध देती नहीं बल्कि पीती है। ये मैडम साहिबा बच्चों को गाय का निबंध बता रही है इंग्लिश में, जहां उन्होंने लिखा होता है द काउज ड्रिंक मिल्क, मतलब गाय दूध पीती है। अब भाई गाय अगर अपना दूध खुद पी जाएगी हमें तो कुछ नहीं मिलने वाला। बहरहाल इन मैडम को काउ की स्पेलिंग तक नहीं आती। ऐसे शिक्षक हमारे देश के भविष्य को अगर शिक्षा दे रहे हैं तो हो चुका हमारे देश का विकास। एक तरफ मोदी सरकार चाहती है कि देश पढ़े और आगे बढ़े, लेकिन इस सरकारी स्कूल का वीडियो मोदी जी की इच्छाओं पे पानी फेरने के लिए काफी है। मैडम जी को संडे तक की स्पेलिंग नहीं आती है। वैसे तो संडे की स्पेलिंग में 6 अक्षर होते हैं, लेकिन इन मैडम साहिबा ने 5 ही अक्षर में लपेट लिया, और वो भी यूनिक वर्ड्स में। और अगर आप इनसे एप्पल की स्पेलिंग पूछेंगे तो उसकी भी आपको अलग ही स्पेलिंग देखने को मिलेगी। अब इन मैडम ने संडे मंडे की तो काया पलट दी है। तो वहीं इन टीचर साहब ने तो राजधानियां ही बदल दी। मतलब अब भारत की राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि पटना है, और बिहार की राजधानी दिल्ली हो गई है। भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी दिल्ली है। देश दुनिया में स्कूल बच्चों के भविष्य सुधारने के लिए खोले जाते हैं, और टीचर उनके भविष्य को बेहतर बनाने का काम करते हैं। लेकिन इन मोहतरमा को फ्यूचर का ही मतलब नहीं पता। आप ही देखिए फ्यूचर को इंग्लिश में ये मैडम साहिबा क्या कह रही हैं। मतलब जिसने भी फ्यूचर शब्द इजाद किया वो ऊपर से देख के रो ही रहा होगा। अब आते हैं इन टीचर्स की तरफ जिन्हें गलत गणित पढ़ाने के लिए एसडीएम से खूब फटकार झेलनी पड़ी। ये वीडियो छत्तीसगढ़ के बलरामपुर का है, जहां एसडीएम एक सरकारी स्कूल में अचानक ही इंस्पेक्शन करने धमक पड़ते हैं। यहां आकर एसडीएम को पता चला कि जिन बच्चों को क्लास में गणित पढ़ाने बैठाया गया है वहां टीचर को खुद गणित नहीं आते। अगर उन्हें खुद गणित का ज्ञान नहीं है फिर वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? ये देख एसडीएम का पारा 7वें आसमान पे चढ़ गया और वो बच्चों के सामने ही टीचर की काबिलियत गिनवाने लगे। आप भी सुनिए क्या क्या कहा एसडीएम ने। ये है हमारे गरीब शिक्षक का काबिलियत। ये भाज्य भाज्य नहीं जानता, ये 9 को कहता है कि अभाज्य है, ये 2 को कहता है कि भाज्य है। प्रूफ करने के लिए बोलते हैं तो आता नहीं है। गणित के पाठ एक में क्या है इसको पता नहीं है, किस क्लास में बैठा है वो पता नहीं। चलिए यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन हैरानगी तो तब हुई जब एसडीएम ही बच्चों को गाली सिखाने लगे। रह गए ना दंग।
मतलब आप अपनी आंखों से ही देख लीजिए, इतने छोटे छोटे बच्चों को एबीसीडी और ज्ञान की बातें सिखाने की जगह ये एसडीएम साहब गाली सिखा रहे हैं। असल में तुम लोगों को एक गाली बताता हूँ मैं, ठीक है? दो है सर, दो लोग, मैं गाली बता रहा हूँ, एक गाली है, ठीक है? गाली सुने हो? नहीं सुने हो ना? चलो मैं सिखा देता हूँ। मां का मतलब होता है जो आदमी बिना काम किए पैसा खाता है, समझ में आया? जो अपना काम नहीं करता है और उसको पैसा मिलता है और उस पैसा को खाता है, उसको क्या बोलते हैं? मतलब टीचर तो टीचर, लेकिन एसडीएम भी सुभान अल्लाह निकले भाई। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के स्कूल में, जहां मैडम को 1, 2, 3 तक नहीं पता है। इन मैडम साहिबा से जब इंग्लिश में नंबर लिखवाया गया तो मैडम जी 1 और 2 के बाद अचानक 3 में अटक गई। कभी THR लिख रही थी तो कभी TIH। जब 3 नहीं लिख पाई तो 4 लिखने के लिए कहा गया, लेकिन मैडम जी ने तो 1 और 2 ही लिखना सीखा होगा शायद, इसलिए लिख नहीं पाई। मुझे तो समझ नहीं आता कि ये शिक्षक क्या पैदा होते ही बन जाते हैं जिन्हें 1, 2, 3 तक नहीं आता है। कभी THR तो कभी TRH। THR है 3? नहीं नहीं, हाँ अच्छा 4 की नहीं, 4 की नहीं। ठीक है सर, थोड़ा दूर जाते तो समझे। दूर है दादा, बिल्कुल दूर है, बिल्कुल दूर है, बिल्कुल दूर है। अब जरा इन मैडम की तरफ देखिए, जो बच्चों को मंथ्स के नाम बता रही हैं। जनवरी तक तो सब ठीक था, लेकिन फरवरी आते आते मैडम जी ने नए नए शब्द ही डेवलप कर लिए। ये मैडम जी फरवरी की स्पेलिंग FERBARAY लिख रही हैं और अप्रैल को बता रही हैं APRIL। भाई कहीं हम तो गलत स्कूल में नहीं चले गए थे? चलिए छोड़िए इन मैडम को, आप इस स्कूल के प्रिंसिपल का ही ज्ञान देख लीजिए। जब इन्हें हर एक दिन का नाम पूछा गया तो ये वेंसडे तक ही बोल पाए। थर्सडे आते आते इनको बोलने में दिक्कत होने लगी और सैटरडे तक प्रिंसिपल के दिमाग की बत्ती ही गुल हो गई। हो सकता है कि प्रिंसिपल साहब के सिर पे इतना काम हो कि वो थर्सडे की स्पेलिंग ही भूल गए। SUNDAY, हाँ हाँ, MONDAY, हाँ हाँ, TUESDAY, WEDNESDAY, उसके आगे कुछ होता है और दिन होता है कुछ। चेहरे पर उड़ते हवाइयों को देखिए, लगता है हेड। वैसे सदी के महानायक और बिग बी कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन ने सही ही कहा है, इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, और इसका मजाक बना रहे हैं हमारे देश के टीचर्स। अब जब आता नहीं अंग्रेजी बोलना तो क्या जरूरत है अंग्रेजी बोलने की? जी जी, ओ ओ ओ ओ, जी जी, एले एले, ई ई, गुलगुलो। चलिए छोड़िए ये ज्ञान की बातें, आप इन मोहतरमा का डेंजरस वर्ड सुनिए। DAN DAN GER GER OUS OUS Dungers जी हाँ, डेंजरस वर्ड जो खुद में बेहद खतरनाक होता है, लेकिन इन मोहतरमा ने इसका मतलब ही बदल दिया। चलिए वीडियो दिखाने से पहले हम आपसे पूछते हैं कि क्या आपको डेंजरस की स्पेलिंग आती है? अगर नहीं तो यहाँ सीख लीजिए। जी हाँ, खतरे को इंग्लिश में डेंजरस नहीं बल्कि डंगर कहते हैं इनके हिसाब से। अब आइए इस वीडियो में आपके ज्ञान को बढ़ाते हैं, यानी आपको एक्नॉलेज नॉलेज की स्पेलिंग बताते हैं और साथ ही आपको इसका प्रोनंसिएशन भी बताएंगे। जरा इन मैडम का वीडियो तो देखिए। देख लिया ना, ऐसा ज्ञान आपको न कहीं देखने और न कहीं सुनने को मिलेगा। चलिए छोड़िए इंग्लिश विंग्लिश, अब पराई भाषा के लिए क्या ही बोलना, हम तो हिंदुस्तानी हैं और हिंदी तो हमारे खून में है, तो इंग्लिश ना सही लेकिन हिंदी में तो हम एक्सपर्ट हैं, है ना? लेकिन ये सेंटेंस भी यहाँ गलत साबित हो जाता है, क्योंकि हमारी अगली टीचर को तो हिंदी का भी ज्ञान नहीं है। जिस भविष्य को बनाने के लिए हम स्कूल जाते हैं, मैडम साहिबा को वही भविष्य शब्द ही लिखना नहीं आता। आप ही देखिए इन मैडम साहिबा का भविष्य कैसा है। अरे भविष्य तो छोड़िए, दूसरे शब्द का आप देखेंगे तो आपको हिंदी भाषा पे भी तरस आने लगेगा। वैसे सभी की स्कूल लाइफ में कोई ना कोई मौका जरूर आता है जब वो किसी स्कूल टीचर का मजाक बनाए, लेकिन यहाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग मामला है।
यहाँ टीचर ही मजाकिया अंदाज में और डांस करते हुए बच्चों को इंग्लिश सिखा रहा है। देखिए इस फनी वीडियो को। कैसा लगा आपको इनका वीडियो देखकर? वैसे कहा जाता है कि जब आप इंटरेस्टिंग वे में बच्चों को कुछ भी सिखाते हैं तो वो जिंदगी भर उनके जहन में रहता है। वहीं बच्चों के दिमाग में म्यूजिक के लिरिक्स भी जल्दी ही घुस जाते हैं। जैसे इस छोटे बच्चे को ही देख लीजिए। बहरहाल शिक्षकों का ये वीडियो देखने में तो मजेदार था, लेकिन ये बहुत ही गंभीर बात है कि देश के भविष्य और विकास की डोर ऐसे शिक्षकों को दी गई है जिन्हें खुद स्कूल जाने की जरूरत है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए, वरना आप ऐसे कई इंटरेस्टिंग वीडियोज मिस कर देंगे।